दोस्तों, कैसे हो? आई होप सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। मेरा नाम रानी है और मैं इस चैनल पर हर रोज वीडियो अपलोड करती हूँ किचन से रिलेटेड और कुकिंग, मतलब रेसिपीज कुकिंग से रिलेटेड और घर के बाकी सारे काम करने से रिलेटेड और कुछ हंसी मजाक की बातें भी। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, और वीडियो पहले से देखते हैं किसी कारण से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली आपको ये वीडियो एक दिन या दो दिन लेट मिलेगा क्योंकि जहीन भी गाँव जाने वाला है तो थोड़ा सा मूड भी मेरा ठीक नहीं है, और मेरे दांत का और दोबारा से ट्रीटमेंट हो गया है, वो दर्द भी हो रहा है, गोलियां वगैरह सब चालू है, तो फिर मेरा वॉइस ओवर करने में शायद थोड़ा लेट हो जाए, तो इसलिए आपको ये वीडियो थोड़ा सा लेट मिलेगा। आपने घर घर तिरंगा किया, हमने भी तिरंगा लगाया था। एक्चुअली जैसे स्कूल होते हैं, ऑफिसेस होते हैं, इंस्टीट्यूट जो होते हैं ना, उनके लिए नोटिस आई थी कि 3 दिन तिरंगा लहराना है, तो इसलिए पादरी साहब 13 को भी गए थे, 14 को भी गए थे और आज 15 को भी गए हैं। इसके बाद वाला क्लिप शायद मेरे हाथ से डिलीट हो गया। मैं और भी बहुत सारी बातें बता रही थी। टीवी पर चालू रहता है ना झंडा वंदन करने का और लास्ट में फ्लैग नीचे निकालने का, वो सारा हम टीवी में देख रहे थे चारों लोग। बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मैं तो बचपन से देखती हूँ, मेरे बच्चों को भी देखने के लिए बोल रही थी, और कल मालूम पड़ा कि पादरी साहब भी बचपन से देखते हैं ये चीज़ें। देश से जुड़ी बातें, मालूमात बहुत अच्छी लगती है। चलिए देखिए, मैंने आज शिमला मिर्च बनाई है, वाइट चावल उबाले हैं, और कल की तो बिरयानी काफ़ी सारी बच गई है, और आने वाले कल में इडली डोसा बनाने का प्लान है। सब वही कुछ दिखा रही हूँ आपको। देखिए मैंने कपड़े कितने सारे धोकर डाले हैं और बाहर कितनी अच्छी आई है। देखिए अंजीर के इतने छोटे पौधे को 2 अंजीर लगे हैं, ये पहला बाहर है इसका। इसकी मैं एक फांटी लेकर आकर लगाई थी, और ये जो जाली लगाई है इसके अंदर मैं बेल डाली हूँ। देखिए ये तुराई की बेल आई है और ये शायद लौकी की आई है, और बाकी बीज अभी निकले नहीं हैं। देखिए यहाँ से वहाँ तक मैं बेल डाली हूँ, और देखिए ये धूप नहीं खिलने की वजह से है ना, फूल पूरी तरह से खिल नहीं पाए हैं, बंद ही हैं। और ये मेरा दोपहर का खाना है, उबाले हुए चावल और शिमला मिर्च। और ये केले के झाड़ है, पिछले बार के केले के झाड़ जो फल आ गए थे उसे तोड़ दिया, अब ये उसी में से नए कोंपल निकले हैं। और ये पुदीना देखिए किस तरह से फैल गया है और ज़्यादा बारिश की वजह से जल गया है। और ये अवरे की बेल है, देखिए इस फली को हम लोग यहाँ पर अवरे की फली बोलते हैं। और इधर पूरा लाइन से है ना मैंने पेरू के पौधे, आंवले के, मतलब हर चीज़ जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है वो लगाई है। और ये चाय बन गई मेरी। आपको मेरे वॉइस ओवर में थोड़ा सा तदलापन दिख रहा होगा ना, बात करते समय मेरे दांत थोड़े से दर्द कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा हर टाइम कितने भी बार डिलीट करूँ ना मिस्टेक हो ही जा रहा है। और ये मेरा शाम का खाना है, मतलब 4:30-5 बज रहे हैं। मैंने सुबह 11 बजे वो शिमला मिर्च और चावल खाए थे, अभी ये कढ़ी और चावल खा रही हूँ। ये कढ़ी में है ना दास भाभी चावल का आटा डालती है, तो इस समय ये चीज़ मैं खा सकती हूँ, मीठी मीठी फीकी फीकी है। बाकी समय मैं फ्रूट खाती हूँ, मल्टीविटामिन खाती हूँ, और जहीन आने की वजह से है ना 15 दिन पूरा मेरा डाइट उलट पलट हो गया था। वैसे वज़न बढ़ा नहीं है और घटा भी बिल्कुल नहीं है, और अभी मेरा पेट भी काफ़ी गर्म हो गया है गोलियाँ लेने की वजह से। पेट गर्म होने के बाद जो प्रॉब्लम होते हैं ना वो हो रहे हैं, नहीं तो मैं ब्लैक कॉफ़ी ही पीती हूँ, पर अभी 2-3 दिन थोड़ा सा चट आई ना चाय पीने का सोची हूँ। मैं काफ़ी दिन से चाय छोड़ चुकी हूँ। चलिए खाना भी हो गया मेरा, पर जब भी मैं खाना ख़त्म करके पानी पीती हूँ या बीच में पानी पीती हूँ ना तो मेरा पानी अटक जाता है। देखिए मुझे इस तरह से ताकत लगा कर पीना पड़ता है। चलिए ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दें, अपना खूब ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।